तो गाइस ये है 760NC JBL की ओर से आने वाले एक ANC हेडफोन्स। जो मैंने परचेज किए थे 6 से 7 महीने पहले, चैनल पर अनबॉक्सिंग है एंड आई बटन पे आपको मिल जाएगी अनबॉक्सिंग अगर आपको देखनी है तो। ये प्रोडक्ट आपको ANC टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, JBL का भरोसा आपको मिलता है। तो प्रोडक्ट कैसा है लॉन्ग टर्म रिव्यू हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, लेकिन चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्ट के फिजिकल ओवरव्यू से, क्या आपको मिलता है, कितना अच्छी तरह से मिलता है। तो जब प्रोडक्ट को आप पहली बार होल्ड करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा बल्कि प्रोडक्ट ये लगेगा, 240 ग्राम्स के राउंड है। देन आपको JBL का ब्रांडिंग मिल जाती है बड़े बड़े दोनों के दोनों हेडफोन के सेक्शन पे, उसके अलावा आपको ब्रांडिंग इतने देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट काफी फ्लेक्सिबल है एंड अदर हेडफोन्स की तरह ये रोटेट होने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। आप चाहे इसको यहां से रोटेट कर सकते हैं, यहां से रोटेट कर सकते हैं, तो ये काफी फ्लेक्सिबल है एंड बिल्ड क्वालिटी में बोलूं तो आपको वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मिलती है एज पर द प्राइसिंग। उसके अलावा हम मूव करते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे आपको यहाँ पे मेन बटन सभी के सभी दिए गए हैं, चाहे वो वॉल्यूम अप हो, डाउन हो या इसका मेन फंक्शन हो। देन आपको ANC एंड पावर ऑन एंड ऑफ बटन भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा आपको 2 LED लाइट मिलती है, जो 1 लाइट इंडिकेट करती है ANC को, 2nd लाइट करती है प्रोडक्ट के स्टेटस को कि ऑन है या ऑफ है। उसके अलावा एक हेडफोन जैक भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी एम्प्टीनेस मिलती है एंड राइट साइड पे ऊपर की तरफ आपको हिडन चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो कि टाइप सी चार्जिंग ये हेडफोन आपके सपोर्ट करेंगे। देन कुशन की क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो कुशन आपको काफी सॉफ्ट मिलते हैं एंड ये ओवर ईयर हेडफोन है ना कि ऑन ईयर, तो काफी अच्छी फिटिंग यहाँ पे मेरे को मिलती है। बट मेरे को प्रॉब्लम लगी जो मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में शेयर करूंगा, तो अंटिल एंड बने रहिए। अंदर की तरफ आपको राइट एंड लेफ्ट ईयर का यहाँ पे मिल जाता है कि इनिशिएशन की कौन सा राइट के लिए, कौन सा लेफ्ट के लिए। देन जो सेक्शन आपके हेड के ऊपर आएगा वो भी आपको कुशनिंग मिलता है, बट ज्यादा कुशनिंग यहाँ पे नहीं दी गई, ठीक ठाक सी कुशनिंग दी गई है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट काफी अच्छी तरह से बिल्ड है एंड आपको अगर आपके हेडफोन्स कहीं पे ले जाने तो केस आपको चाहिएगा इनके लिए। बात करते हैं इनकी ईयर फिटिंग की, या मैं बोलूं ईयर कंफर्ट की, कितना कंफर्टेबल है। तो ये नहीं है कि मैंने 1-2 दिन इनको यूज किया, मैं इनको यूज करता हूँ मोस्टली जब मूवी देख रहा हूँ या मैं गाने वगैरह सुन रहा हूँ एंड मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो गाइस हेड पे काफी अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं एंड एक नॉर्मल जो साइज ईयर है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इस हेडफोन की, जो ये वाला सेक्शन है आपके ईयर के अगल बगल वाला, वहां पे इसकी टाइटनेस फील होती है एंड लाइक लॉन्ग टर्म पे हल्का सा पेन स्टार्ट होने लगता है। फॉर ईयर फिटिंग या ईयर कंफर्ट मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ काफी लोग के कमेंट आए थे अनबॉक्सिंग पे एंड कंपैरिजन वीडियो पे कि जिम वगैरह के लिए ठीक है नहीं ठीक है। तो गाइस ईयर फिटिंग काफी टाइट है, आप इसको यूज कर सकते हैं, नीचे वगैरह देखेंगे या हिले डुलेंगे तो ये गिरेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आप जिम वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज होते हैं तो आप रनिंग के लिए ही मैं इसको प्रेफर करूंगा। मैंने अभी तक मोस्टली ये लॉन्ग टर्म के लिए 2 घंटा यूज किए हैं, 2 घंटे में पेन स्टार्ट होने लगता है, तो इतना कंफर्टेबल नहीं है। मूव करें फीचर सेक्शन पे गाइस, तो आपको JBL के 760NC देते हैं 40mm के ड्राइवर, 5.0 की कनेक्टिविटी, 10 मीटर की रेंज यहाँ पे मिलती है एंड कोई भी वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। 610 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आने वाले ये हेडफोन आपको प्रोमिस कर रहे हैं 50 आवर्स का बैटरी बैकअप विदाउट ANC एंड विद ANC 35 आवर्स का बैटरी बैकअप। चार्जिंग में लगेगा करीबन 2 घंटा है, 5 मिनट अगर चार्ज करेंगे तो आपको मिल जाएगा अराउंड 5 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप, जो कि काफी डिसेंट है। तो जैसे कि बता ही चुका हूँ कि कोई भी यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, इवन IPX4 का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा इन हेडफोन के साथ कि बारिश वगैरह में यूज ना करें एंड थोड़ा बहुत स्वेट आएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो होता ही जनरली। देन मूव करते हैं इसके काफी इंपोर्टेंट सेक्शन पे, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी है। JBL जाना जाता है इसकी साउंड क्वालिटी पे, तो ये एक मिड रेंज हेडफोन है, तो एक्सपेक्टेशंस मैं बोलूंगा कि इतनी ज्यादा मत रखिए। मैं इनको यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है, तो जो वॉइस एक्सपीरियंस है या इसका ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ 0 to 10 के रैंक पे। तो ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस बेस हो चाहे वोकल की क्लैरिटी हो, वो काफी अमेजिंग आपको दी गई है। आपको मिलता है बेस 9/10 एंड वोकल भी आपको 9/10 मिलेंगे, बट
जो यूजर काफी लाउड वॉइस पे सुनना पसंद करते हैं गाइस, तो उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इतनी लाउड वॉइस नहीं मिलती जो एक यूजर नॉर्मली यूज करता है, लाइक 70-80% वॉल्यूम लेवल पे यूज करता है। तो नॉर्मल हेडफोन पे यही आपको वॉल्यूम लेवल मिलेगी, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। तो फॉर वॉल्यूम लेवल मैं इनको देता हूँ सिर्फ 8 मार्क्स। ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस कुल मिला के अच्छा है, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो, इवन आपका क्लासिक म्यूजिक हो गया या रॉक म्यूजिक हो गया, काफी अच्छा यहाँ पे फीडबैक आएगा। एंड ये इंडियंस के लिए नहीं बने, ये ओवरऑल एक वर्ल्ड प्रोडक्ट है। बट आपको कोई भी गेम मोड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको गेम खेलना है तो 3.5 mm जैक यूज कीजिए, देन आप गेम खेल सकते हैं। रही बात माइक्रोफोन क्वालिटी की, तो नॉर्मल कॉलिंग में ठीक है एंड आप आउटडोर कॉलिंग भी कर सकते हैं विद ANC, तो ANC पे आपको इफेक्ट पड़ेगा, सामने वाले को भी वो इसकी क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ANC की बात करते हैं तो बोला गया है कि इतने ANC, तो ऑन पेपर कोई भी ANC नहीं लिखा हुआ, बट जब मैंने इसको टेस्ट आउट किया विद फैन विद AC, तो जो ANC थी वो समवेयर अराउंड 22-25 dB के अराउंड थी, इससे ज़्यादा ANC नहीं है। एंड वो मैं अगर बोलूँ तो वेरी बेसिक है, नॉर्मल ईयर फिटिंग के उसमें भी वो ANC वर्क करती है, तो इतना डिफरेंस आपको लगेगा नहीं कि ANC ऑन है या ऑफ है, बट बैटरी लाइफ पे वो इफेक्ट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितना अच्छा है तो उस पर बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया एंड JBL के जो फैन हैं उनको भी डेफिनेटली पसंद आएगा। फॉर जिम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं वो यूजर जिनको वॉइस में क्लैरिटी चाहिए, बेस चाहिए, बट वॉल्यूम लेवल पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। आपको शायद ही इससे बेटर कोई प्रोडक्ट मिले फॉर वॉल्यूम। ईयर फिटिंग डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पे एंड कंफर्ट भी डिपेंड करता है, बट मेरे लिए ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, बट स्टिल मैं इनको 1.5-2 घंटा यूज़ कर सकता हूँ। देन नॉर्मल सी ANC दी गई है, ANC के लिए इसको परचेस कर रहे हैं तो वो परचेस करने का कोई मतलब आपके लिए नहीं बनता, वो चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंड बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा दिया गया है, 35 आवर्स का दिया गया है, तो इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आपको नहीं मिलेगी। विद ANC भी आपको मिल जाता है अराउंड 30 आवर्स का बैटरी बैकअप, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड 10 दिन या 15 दिन में मैं इसको चार्ज करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी एंड लॉन्ग बैटरी लाइफ यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है गाइस, आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर वॉइस चाहिए, बेस चाहिए एंड एक ब्रांड का भरोसा चाहिए। अदर ब्रांड की तरह ये टूटेंगे नहीं है, इतना बुरी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके परचेज कर सकते हैं। अगर अंटिल एंड बने रहे हुए वीडियो पे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।